हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपके सामने पोहे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो सुबह के नाश्ते के लिए बहुत ही पौष्टिक होती है, अच्छी होती है। आप इसमें सब्जी वगैरह भी मिक्स करके बना सकते हैं, थोड़ी बहुत जो भी सब्जियां हैं उसको भी मिलाकर बना सकते हैं, और जो आपकी इच्छा है हल्के में भी उसको बना सकते हैं। जैसा कि मेरे सामने ये जो मैंने इंग्रेडिएंट्स रखे हैं, जैसे ये पोहा है, और ये भी दो कटोरी पोहा लेंगे हम, तो ये दो कटोरी पोहा हमने ले लिया इसमें। और अब ये आपके सामने टमाटर है, प्याज है, और थोड़े से मेरे पास कैश्यू नट पड़े थे तो वो मैंने ले लिए, काजू, और ये राई है, नमक, काली मिर्च और जीरा पाउडर, और ये एक हरी मिर्ची और धनिया, और ये पीनट्स है जो मैं आपको इसकी रेसिपी पोहे की बनाकर बताती हूँ। सबसे पहले हम पीनट्स को लेंगे। पीनट्स लेके, ये हमने कच्चे पीनट्स लिए हैं, ये हमारे कच्चे पीनट्स हैं जिसे हम रोस्ट करेंगे। कढ़ाई में डालकर इसको थोड़ा से घी, ऑयल या रिफाइंड जो भी चीज़ आप यूज़ करते हैं उसमें डालकर आप रोस्ट कीजिए इसको। चलिए हम रोस्ट करने के लिए इसको डालते हैं। ले लिया है थोड़ा सा, जिसमें हम अपने पीनट्स जो हैं फ्राई करेंगे, क्योंकि ये हमने कच्चे पीनट्स लिए थे जो आपको अभी भी दिखाए, ये सारे हमारे कच्चे पीनट्स हैं। इनको जो है हम, ये जो घी गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे, और इसको फ्राई होने तक इनको जो है इस तरह से रोस्ट करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा चलाते रहेंगे। अभी इनको फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, जब तक हम वेट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे फ्राई हो रहे हैं, और जैसा कि आप देख रहे हैं उसमें से आवाज़ आने लग गई है, तो इसका मतलब है क्रैकर्स कर रहे हैं, ये हमारे फ्राई होने शुरू हो गए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये बहुत ही अच्छे से धीमे धीमे, जितना आप स्लो आँच में इसको पकाएंगे उतने ही सही से फ्राई होंगे, ज़्यादा हाई हीट पे इसको नहीं पकाना है, नहीं तो ये जलने लग जाएंगे। बस सिंपल तरीके से ही मैं ये रेसिपी डाल रही हूँ, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डाला मैंने, बस अभी फ्राई होने वाले हैं, थोड़ा सा 5 मिनट और बस ये फ्राई हो जाएंगे। इसके लिए आप देखिए, ये कलर भी चेंज होने लग गया है इनका, थोड़ा सा ब्राउनी सा हो गया है, डार्क कलर दिखने लग गया है, पीनट्स का जो कलर था उससे थोड़ा सा डार्क कलर दिखने लग गया है, पहले जो कलर था वो चेंज हो चुका है। अभी इसका मतलब ये हमारे पीनट्स, मूंगफली हमारी जो है भून चुकी है। चलिए अब इसको हम निकाल लेते हैं, तो निकाल देते हैं, उसके बाद में आगे का। इसी में हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, मस्टर्ड ऑयल है, और इसको हम थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। कढ़ाई तो हमारी गर्म थी, पर थोड़ा सा और गर्म होने देते हैं, फिर हम इसमें और मसाले डालेंगे। ये देखिए हमारा तेल जो है गर्म हो रहा है, अब इसमें हम राई डालेंगे, 1 चम्मच राई ली है करीब, ये हमने राई डाल दी है, ये हमारी राई तड़कने लग गई है। ये राई तड़क रही है हमारे इधर, ये अभी
हमारी राई तड़ाई है। ये हमारी राई हो गई है। अब हम इसमें हमारे कटे हुए प्याज डाल देंगे। अगर आपके पास हींग है तो आप इसमें हींग भी डाल सकते हैं। आपकी इच्छा अनुसार है कि आप हींग डालें या न डालें, तो हींग डालना अच्छा रहता है। मुझे हींग ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं हींग डाल देती हूँ। अब इसको हम धीमे आँच पे धीरे धीरे जब तक ब्राउन नहीं हो जाता इसको फ्राई कर लेते हैं। ये हमारा फ्राई हो रहा है, वेट करते हैं। ये हमारे प्याज अभी फ्राई हो रहे हैं, थोड़ा धीमे आंच पे इसलिए थोड़ा स्लो हो रहे हैं। चलिए इसमें हम हरी मिर्च डाल देते हैं। जो ये हरी मिर्च हमने काट के रखी हुई थी ये हम हरी मिर्च डाल देते हैं। एक हरी मिर्च है ये छोटी सी। हरी मिर्च डाल के इसको हम चलाते हैं। जब तक ये हमारा प्याज हो रहा है हम अपना पोहा तैयार करते हैं। हम पोहा हमें अच्छे से वॉश करना है और उसको जब तक हमारे मसाले तैयार होंगे जब तक हम उसको धो के रखेंगे। अगर हम पहले से उसको अगर धो के रखते हैं तो वो हमारा पोहा ज़्यादा गल जाएगा, इसलिए हमें उसी टाइम पर पोहा धोना चाहिए जिस टाइम पर हमारे मसाले फ्राई हो रहे हों साइड में, और धोकर वो साथ में रख लीजिए। और जब तक टमाटर और प्याज होते हैं फिर उसको उसके बाद जैसे ही मसाले होते हैं उसमें आप डाल दीजिए। ओके, हम पोहा तैयार करते हैं। चलिए पोहा लेते हैं और इसे हम छन्नी में डालकर वॉश करने चलते हैं। देखिए ये हमने अपना पोहा धोकर तैयार कर लिया है और इधर ये हमारा प्याज भी रेडी हो गया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये हमारे टमाटर डाल देंगे। टमाटर डाल देंगे इसमें। ये हमारे टमाटर हो रहे हैं, इनको हम होने देते हैं। इसमें थोड़ा सा हम पहले नमक डाल देते हैं जिससे गलने में जल्दी होंगे और जल्दी हो जाएंगे। और जब तक हमारे ये पोहे रेस्ट कर रहे हैं टमाटर हो रहे हैं, ये हमारे टमाटर हो रहे हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो हमने काले मिर्च और उसका जीरे का लिया था इसको तो अभी हम थोड़ी देर में डालेंगे। पहले हम इसमें आधी चम्मच हल्दी डाल देंगे कलर चेंज होने, जिससे कि कलर से हमारे पोहे और भी अच्छे हल्दी डाल देंगे, जिससे कि जब हम इसमें पोहा डालेंगे तो पोहे का कलर भी हमारा थोड़ा लुक उसका अच्छा दिखाई देगा। करते हुए हम इसमें जो हमारे पोहे डाल देते हैं, ये हमने पोहे डाल दिए अपने, ये देखिए। अब इसको हम अच्छे से स्टर करेंगे, धीरे धीरे इनको मिलाएंगे।
जिससे कि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। ये हमारा पोहा इस तरह से दिखाई देने लगेंगे। इसे धीरे धीरे करके इसी तरह से मिला लेंगे और इसी टाइम पे हम इसमें मूंगफली और अपने जो कैश्यू नट रखे हैं वो दोनों इसमें डाल देंगे। चलिए डाल देते हैं ये मूंगफली और ये हमारे पीनट्स हैं, सॉरी ये कैश्यू नट है जो हमने इसमें डाल दिए हैं। तो देखिए देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं और उतने ही अच्छे ये खाने में भी लगते हैं। हल्का और सिंपल नाश्ता, बहुत ही शानदार मैं तो कहूँगी नाश्ता होता है ये। इसमें ज़्यादा कुछ करना भी नहीं होता है, मगर ये है कि आप पसंद के ऊपर डिपेंड करता है, किसी को ये अच्छा लगता है किसी को नहीं लगता है। और ये जो मैंने पोहा बनाया है इसको किस जगह पे क्या कहते हैं अगर दूसरे किसी नाम से जानते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके थैंक यू। अभी ये पोहा चढ़ा हुआ है, अभी देखते हैं। ये हमारा पोहा बनकर रेडी हो गया है। अब इसमें काली मिर्च और जीरे का हल्का सा पाउडर ये मैंने डाल दिया है और ऊपर से गार्निशिंग के लिए ये धनिया डाल दिया है। अब ये हमारा पोहा रेडी है, आपको कैसा लगा बताइएगा। जो भी है आप कमेंट करके बताइएगा। थोड़ी सी कोशिश की है मैंने अपनी डिशेस को आप तक पेश करने की। थैंक यू और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है। धन्यवाद।